इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे पोरबंदर रियासत की कहानी। पोरबंदर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। पोरबंदर रियासत भारत की सबसे बड़ी या ताकतवर या अमीर रियासतों में से एक नहीं थी, पर यह रियासत इतिहास में महत्वपूर्ण इस कारण है क्योंकि ये महात्मा गांधी और उनके परिवार से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ऐसे कई वाक्य हुए जो भारत के इतिहास को बदल सकते थे। इन वाक्यों के बारे में मैं आपको आगे चल के तो बताऊंगा ही, पर हम चलते हैं पोरबंदर रियासत के पहले के प्राचीन इतिहास में। पोरबंदर जो है वो द्वारका के दक्षिण में स्थित है। द्वारका तो आप जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और उनकी एक समय राजधानी हुआ करती थी, और मान्यता के अनुसार जो पोरबंदर है वो भगवान श्री कृष्ण के जो परम मित्र थे सुदामा, जो एक गरीब परिवार से थे, ये उनका गांव हुआ करता था, और लोग पोरबंदर को सुदामापुरी भी बुलाते हैं। प्राचीन काल में ये जो पूरा एरिया है अराउंड 1600 BCE टू 1400 BCE के बीच में, यहाँ पर हरप्पन सभ्यता का फैलाव हुआ और यहाँ पे पनपी, और जो पोरबंदर आज का जो पोरबंदर है उसके पास हमें कई हरप्पन सेटलमेंट्स मिलते हैं। हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि उसके उत्तर में ही कच्छ में ढोलावीरा है और ऊपर जाएंगे तो हरप्पा है। तो इट वाज अ कंटिन्यूम पोरबंदर की जो सेटलमेंट्स हैं, इनफैक्ट कोस्ट पर अगर आप देखें तो कोस्टल जो हरप्पन लोगों के ऑल ओवर द कोस्ट, यहाँ तक कि लोथल तक गुजरात के तट पर सेटलमेंट्स हुआ करते थे। तो ये जो पोरबंदर का जो इलाका है वहाँ पर भी एक हरप्पन सेटलमेंट था, और फिर हरप्पन सभ्यता ख़त्म होने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। फिर बाद का काल जो मध्ययुगीन भारत का काल है, उस समय जो सौराष्ट्र जो प्रांत है गुजरात का, एरिया है गुजरात का, वहाँ पर राजपूत राजाओं के किंगडम्स एस्टैब्लिश होने लगे और कई राजपूत राजाओं ने अपने राज्य बनाए। उस समय अराउंड 12वीं-13वीं शताब्दी में जो जेतवा राजपूत है वो मोरवी, जो मोरवी जिला है, वहाँ से निकलकर वो पोरबंदर में स्थायी हो गए। जेतवा राजपूतों से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे भारत के कई राज परिवार है जो अपने आप को भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं, जैसे कि जयपुर और कई बाकी परिवार, फिर दूसरे कई राज परिवार है जो भगवान श्री अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, जैसे कि जो जामनगर या कच्छ या जो जाडेजा राजपूतों के राज परिवार है। जो जेतवा परिवार है वो यूनिक है बिकॉज वो अपने आप को भगवान श्री हनुमान के वंशज मानते हैं, जो भगवान श्री हनुमान के जो बेटे थे बकरध्वज, उनके डिसेंडेंट्स, और इसी कारणवश जो बाकी राजपूत क्लैंस हैं वो उनका मजाक उड़ाते थे। बट फिलहाल वो एक बहुत ही अपने राइट में जेतवा राजपूत एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने इस एरिया पर अपना राज्य संभाले रखा। अराउंड 13वीं और 14वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो क्या होता था कि जो यहाँ की जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो जो मेन पावर है गुजरात की उसे ट्रिब्यूट दिया करती थी, और ये जो मेन पावर्स हैं वो इन रियासतों को अकेला छोड़ देते थे। तो पहले फॉर एग्जांपल गुजरात सल्तनत थी जिसकी राजधानी थी चंपानेर, पावागढ़ और फिर अहमदाबाद, फिर उनके बाद मुग़ल आए और फिर मुग़ल गवर्नर्स को ये रियासतें पैसा देने लगी, और फिर उसके बाद मराठे आए। तो ये जो पोरबंदर की जो रियासत है 14वीं शताब्दी में उसका नाम था रानपुर, फिर उसके बाद अराउंड 200 साल बाद उसका नाम पड़ा छाया करके, एंड इट इज़ ओनली इन 1785 दैट रियासत का नाम चलकर पोरबंदर हो गया। अराउंड 17वीं शताब्दी में जो पोरबंदर के जो राजा हैं वो जो मुग़ल गवर्नर है गुजरात के, जो अहमदाबाद में उनका स्थान था, उन्हें वो ट्रिब्यूट दिया करते थे। अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि 1674 में हमें एक रेफरेंस मिलता है कि
जो गोगा का बंदरगाह है जो बाद में भावनगर स्टेट में था, और एक गोगा का एक पोर्ट है, वहां पर एक साइक्लोन आ गया। और इस साइक्लोन से बचने के लिए लालजी गांधी वहां के एक बनिया थे, वो गोगा छोड़कर जूनागढ़ में आ गए, और एक पोरबंदर के पास एक कुटियाना करके गांव है वहां पर बस गए, और वहां के जमींदार की एस्टेट वो मैनेज करने लगे। अब लालजी गांधी फिर आगे चलकर पोरबंदर आए, और फिर वो पोरबंदर के नायब दीवान या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और ये बात होगी 1690s या अर्ली 1700s की। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि लालजी गांधी ने एक प्रथा शुरू की कि ये जो गांधी परिवार है वो आगे ऑलमोस्ट 100 साल तक वो पोरबंदर रियासत के दीवान अलग अलग फैमिली मेंबर्स रहे, और इसी परिवार में जन्मे थे महात्मा गांधी। अब लालजी गांधी का जो समय था जब वो पोरबंदर के दीवान थे, आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, ये बादशाह औरंगजेब का ज़माना है जब मुग़ल बादशाह औरंगजेब दिल्ली पर राज कर रहे थे और पोरबंदर मुग़ल साम्राज्य के अंडर आता था। उसके बाद क्या हुआ, जब मुग़ल साम्राज्य बिखरने लगा तब यहाँ पर बड़ौदा के गायकवाड़ों का राज आया। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने भी सेम जो स्ट्रैटेजी थी जो गुजरात सल्तनत और जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने पोरबंदर स्टेट को अकेला छोड़ दिया, पर हर साल उन्हें लाइक पोरबंदर स्टेट को एक ट्रिब्यूट देना पड़ता था गायकवाड़ों को। तो लालजी गांधी है, उनके ग्रैंडसन थे हरजीवन दास गांधी, जो पोरबंदर रियासत के दीवान थे अराउंड 1770s में। हरजीवन दास गांधी ने एक अपने लिए एक बड़ी हवेली बनाई, और यही वो फेमस गांधी परिवार की हवेली है जिसमें 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर्स थे, गांधी परिवार तो बहुत ताकतवर परिवार था, उनके अपने बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे जिन्हें मकरानी गार्ड्स कहलाया जाता था, जो उन्हें जो बलूचिस्तान के मकरान से ये गार्ड्स थे। उसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी के तहत ये जो सौराष्ट्र की जितनी भी रियासतें थी जैसे कि जूनागढ़, राजकोट, मोरवी, गोंडल, पोरबंदर, ये सारी जो रियासतें थी वो जो गायकवाड़ों के अधीन थी वो अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गई। और जब ये सेटलमेंट हुआ तो ये जो गांधी थे हरजीवन दास गांधी और फिर उनके बेटे एंड ऑल, उन्होंने पोरबंदर स्टेट को बचाए रखने में, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में, मतलब अंग्रेज़ों के ऑफिशियल्स के साथ ये सब जो नेगोशिएशन हो उस पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। अब 1831 में यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्या हुआ जो भारत के इतिहास को बदल सकता था। उस समय यहाँ के राणा जो थे उनका देहांत हो गया, और गद्दी पर आए उनके बेटे राणा विक्रमजीत जो अराउंड 12 साल के थे, और गद्दी संभाली जो रीजेंट थी रूपाली बा, जो रानी थी, जो विधवा रानी थी, जो काफ़ी पावरफुल और एक डोमिनेटिंग औरत थी। और उस समय पोरबंदर के दीवान थे उत्तम चंद गांधी, जो महात्मा गांधी जी के दादा थे, और रूपाली बा और जो उत्तम चंद गांधी हैं उनमें बिल्कुल बनती नहीं थी। तो एक दिन इतना मतलब दोनों में एक विवाद हो गया कि जो रानी रूपाली बा है उसने पोरबंदर की एक बड़ी फौज भेजी पूरे गांधी परिवार की हत्या करने के लिए, और वो जो हवेली है तो जो उनके जो मकरानी गार्ड्स थे उन्होंने, वो पूरे परिवार ने रेफ्यूज ले लिया उस हवेली के अंडर, और लिटरली जो पोरबंदर की जो फौज है उसने उस हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था अंडर दी ऑर्डर्स कि पूरे गांधी परिवार का कत्ल किया जाए। और लड़ाई हुई, जो गुलाम खान जो मकरानी हैं, जो कमांडर थे, हेड ऑफ़ द बॉडीगार्ड्स थे गांधी परिवार के, उनका देहांत हो गया और उनकी समाधि हवेली के पास है। और जब ये केओस चल रहा था पोरबंदर में, तब थैंकफुली एक ब्रिटिश ऑफिसर को पता चला कि ऐसे ऐसे यू नो लोग गांधी परिवार का कत्ल करने के लिए गए हैं पोरबंदर दरबार से, और फिर उन्होंने ब्रिटिश ने इंटरवीन किया, और वैसे
गांधी परिवार की जान बची और अगले 10 साल तक 1841 तक वो जूनागढ़, वो पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ चले गए थे। और 1841 में ही जब रानी रूपाली बाग का निधन हो गया उसके बाद ही वो पोरबंदर लौटे थे। तो ये एक व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री है जो मैं बोल सकता हूँ कि उस दिन अगर गांधी परिवार का कत्ल हुआ होता तो महात्मा गांधी फिर आगे नहीं होते और हम नहीं जानते कि भारत का इतिहास आगे कैसा होता। उसके बाद उत्तम चंद गांधी के बाद उनके बेटे जो करमचंद गांधी है, महात्मा गांधी जी के पिताजी, वो पोरबंदर के दीवान बने। फिर आगे चल के वो राजकोट के भी दीवान बने। यहाँ पर पोरबंदर क्योंकि एक पोर्ट था तो उसका रेवेन्यू भी अच्छा था। अभी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उस टाइम पे कैसे होता था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो नहीं चाहते थे कि ये जो स्टेट्स हैं जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर और कच्छ, ये डेवलप करें, कि वो अपने पोर्ट्स को डेवलप करें, बिकॉज वो चाहते थे कि जो सारा माल आए वो ब्रिटिश पोर्ट से आए ताकि जो कस्टम का रेवेन्यू है वो उन्हें मिल सके। और ये जो स्टेट्स थे वो इस होड़ में लगे रहते थे कि जो सारे शिप्स हैं वो उनके बंदरगाहों पे आए तो कस्टम का रेवेन्यू उन्हें मिले। तो ये डिस्प्यूट तो अंग्रेज़ों के साथ चलते ही रहते थे, बट पोर्ट होने के कारण और जो मिडल ईस्ट है, जो ओमान, अभी यूएई और ईरान, उसके करीब होने के कारण, और इवन ईस्ट अफ्रीका जैसे कि सोमालिया, केनिया, उसके एक जियोग्राफिकली पास होने के कारण पोरबंदर से एक काफ़ी व्यापार होता था। और यहाँ के जो मर्चेंट्स हैं वो ईस्ट अफ्रीका और जो मिडल ईस्ट है उसके साथ काफ़ी ट्रेडिंग किया करते थे। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात पोरबंदर को लेकर ये है कि जब महात्मा गांधी, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पोरबंदर से की और जब हायर स्टडीज़ अपना करियर ऑप्शंस चुन रहे थे, तो लोगों का यही मानना था कि जैसे लाइक उनकी ऑलमोस्ट 5 से 6 पुश्ते पोरबंदर के दीवान बने थे, उनके कजिन्स बने थे, उनके अंकल्स बने थे, तो इस परिवार के जैसे वो दीवान बने थे तो उनके भी जो माता पिता हैं महात्मा गांधी के, उनकी यही इच्छा थी कि लड़का हमारा पढ़ लिख जाएगा तो आगे चल के पोरबंदर का दीवान बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, एंड दैट वाज द हाईएस्ट एस्पिरेशंस विच दे हैड फॉर महात्मा गांधी। अब इंटरेस्टिंगली 1888 में जब महात्मा गांधी लंदन जाना चाहते थे तो उन्होंने पोरबंदर दरबार से और पोरबंदर के राणा से एक अपील की थी कि वो उनका जो 5,000 रुपये उन्हें सैंक्शन करें ताकि वो इंग्लैंड में जाकर पढ़ सके, लंदन में जाकर, और फिर आगे चल के वो, मतलब इट वाज लाइक अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेनिंग टू बिकम द दीवान ऑफ पोरबंदर। और उस समय के जो राणा थे उन्होंने इस अर्जी को खारिज कर दिया ये कह के कि पोरबंदर एक छोटी रियासत है और 5,000 रुपये इतना बड़ा रकम हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ये दूसरा व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि अगर उस समय अगर जब राणा ने वो 5,000 रुपये सैंक्शन किए होते तो देर वुड हैव बीन लाइक अ बॉन्ड, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को एक बॉन्ड था बड़ौदा के साथ कि आप स्कॉलरशिप लेकर जाएंगे और फिर आपको बड़ौदा रियासत की सेवा करनी है, वैसे महात्मा गांधी वुड हैव हैड टू साइन अ बॉन्ड विद द पोरबंदर रियासत कि हम पढ़ेंगे और फिर आगे चल के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करेंगे। और फिर अगर ये हुआ होता तो वो साउथ अफ्रीका जाते क्या, वो भारत के फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते क्या। तो ये एक दूसरा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। और एक बात यह है कि बिकॉज महात्मा गांधी पोरबंदर के दीवान परिवार से थे, जो रियासतें थी उनके लिए और जो प्रिंसेस थे उनके लिए महात्मा गांधी का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर था। कि जब अगर आप देखें इतिहास तो जब फॉर एग्जांपल 1930 से जो कांग्रेस बनी, स्टेट कांग्रेस बनी अपने हक के लिए लड़ने के लिए, जो जैसे मैसूर में या कश्मीर में या स्टेट्स कॉन्फ्रेंसेस जयपुर में थी और अलग एजिटेशन थी, तो महात्मा गांधी ने उन कॉन्फ्रेंसेस का सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज वो प्रो प्रिंसेस थे, वो प्रो ये थे, बिकॉज उनके फैमिली का एक ट्रेडिशन था एक राजसी सेवा का और दरबारों के सेवा का। और इनफैक्ट इट वाज जवाहरलाल नेहरू जो एक फेबियन सोशलिस्ट थे और फिर सरदार पटेल जो
जो जो ब्रिटिश गुजरात एरिया है उससे थे, तो उनके रॉयल्टी के प्रति इतने जो क्लोज रिलेशंस थे वो नहीं थे, पर महात्मा गांधी ने हमेशा जो नवाब्स और प्रिंसेस है उनको एक जैसे कि हम कहते हैं राजधर्म, एक ट्रेडिशनल किंगशिप को हमेशा रिस्पेक्ट दिया और उस पर उन्होंने बिलीव किया। जैसे हम जानते हैं कि महात्मा गांधी आगे फिर साउथ अफ्रीका गए, फिर भारत के फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पर गांधी परिवार का पोरबंदर जो रियासत है उसके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप रहा, उनके कजिन्स थे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आए। 1908 में पोरबंदर की गद्दी पर बैठे महाराणा नटवर सिंह जी, जो पोरबंदर के सबसे एनलाइटेंड रूलर्स में से एक थे, ही वॉज एन इनक्रेडिबली टैलेंटेड पर्सन, वो म्यूज़िक कंपोज किया करते थे, उन्होंने किताबें लिखी, वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। पोरबंदर के बीच पे एक बहुत खूबसूरत पैलेस है हुजूर पैलेस करके, उसे उन्होंने ही डिज़ाइन किया था और उसका इंटीरियर भी उन्होंने किया था। महाराजा नटवर सिंह से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक क्रिकेटर भी थे, और जो भारत की जो इंटरनेशनल टेस्ट मैच टूर करने वाली जो पहली टीम थी जो इंग्लैंड टूर करने गई थी उसके वो कैप्टन थे, वो टेक्निकली वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम ऑन एन इंटरनेशनल टूर, पर वो राजा थे और ही वॉज नॉट अ वेरी गुड क्रिकेटर, और वो जो पूरा जो जो टूर है उसमें उन्होंने बहुत थोड़े मैचेस खेले और सिर्फ 8 रन्स बनाए, और उस समय एक जोक था कि ही हैड मोर रोल्स रॉयसेस दैन द रन्स दैट ही ओन्ड। और फिर बाद में उन्होंने जो सीके नायडू है उन्हें वो कैप्टनशिप सौंप दी थी और वो वापस आ गए थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पोरबंदर रियासत को महाराणा नटवर सिंह जी ने सौराष्ट्र यूनियन में हैंडओवर कर दिया और एक स्टेट बना था सौराष्ट्र स्टेट, फिर जो बाद में बॉम्बे में मर्ज हुआ, फिर वो बाद में गुजरात बन गया। महात्मा गांधी के निधन के बाद उनकी जो हवेली है, ऐतिहासिक हवेली जो 1770s में हरजीवनदास गांधी ने बनवाई थी, वो अभी कीर्ति मंदिर है, एक म्यूज़ियम है और लोग दूर दूर से देखने आते हैं। महाराणा नटवर सिंह जी के निधन के बाद उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो अभी तो राज परिवार कोई नहीं है पोरबंदर में, बट बिकॉज ऑफ महात्मा गांधीज लेगेसी और एक ब्यूटीफुल बीच है पोरबंदर में, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। तो आशा है कि लोगों की जो रुचि है वो पोरबंदर रियासत के प्रति बढ़ेगी। ये थी कहानी पोरबंदर रियासत की।